ये राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट हैं, जो पीछे आप देख सकते हैं गांधीवादी तरीके से यहाँ जो है ये राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं सचिन पायलट, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं ये अनशन पर जो बैठे हैं गांधीवादी तरीके से यहाँ पर जो है शहीद स्मारक, जो कि जयपुर का शहीद स्मारक है, यहाँ बैठे हैं और यहाँ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं सचिन पायलट आई लव यू। ये समर्थकों का जोश है और आप देख सकते हैं कि समर्थकों का यहाँ जमावड़ा कितना बड़ी संख्या में हो रखा है। और यहाँ जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना है, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बस्सी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्यक्ष हूँ, पिछली बार रामस्वरूप मीणा मेरा नाम है, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अहिंसा के हिसाब से हमारे पायलट साहब के नेतृत्व में हजारों लाखों के कार्यकर्ता एक अहिंसा के रूप में यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें सत्य और असत्य की जीत होती है। अभी जो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भ्रष्टाचार किया है उनको हम उजागर करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पिछले 4 साल में सचिन पायलट नहीं बोले और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? हमारा चुनावी माहौल है, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का आगे से कोई ऐसा माहौल नहीं बने और ईमानदार आगे जाके मुख्यमंत्री बने हमारे प्रदेश का, तो इसको उजागर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने की उनकी डिमांड है और ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर। एक बार मैं मेरे सहयोगी शक्ति से कहूंगा कि थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखाएं, ये हुजूम है सचिन पायलट समर्थकों का। और सबसे बड़ी बात है ये पूरे प्रदेश भर से आए हैं कार्यकर्ता और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक झलक पाने के लिए, सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए यहाँ कंधों पर बैठे हैं कार्यकर्ता और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। और नारों में सचिन पायलट आई लव यू और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग ये लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये आप पोस्टर देखिए इनके पीछे, यहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर गायब हैं। इस समर्थकों को कंट्रोल किया जा रहा है और इनसे अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस आमरण में सहयोग करें। जो अनशन है इनका इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, इसको लेकर जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अनशन इन्होंने किया है तो राजस्थान के कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये पार्टी विरोधी है। तो फिलहाल ये जो अनशन है शाम को 4 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान इस बात को मान रहा है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये अनशन किया है, तो इसे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये पार्टी विरोधी है। पार्टी क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।